इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जी हां, शाम के 6 बज चुके हैं और हेलो किसान कार्यक्रम में दो बेहद ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिस पर विस्तार से हमारी विशेषज्ञ मेहमानों से चर्चा होगी। इसके अलावा चूंकि ये फोन इन कार्यक्रम है, आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं जो सवाल की विषय से जुड़े हुए हैं। तो आइए सबसे पहले आज के विषय के बारे में बता दें जिन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हेलो किसान कार्यक्रम में आज का विषय है प्राकृतिक खेती। इसके अलावा दलहनी फसलों में समसामयिक कार्य, इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर्स जिन पर आप कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं, 1800-11-3060 और 1800-11-3061 पर आप कॉल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखें और फोन लाइन के जरिए बातचीत करें, इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वंदना द्विवेदी, सलाहकार हैं एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है डॉक्टर जयवीर तोमर, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हैं सस्य विज्ञान संभाग जनता वैदिक कॉलेज बड़ौत उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर तोमर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। वंदना द्विवेदी जी, आपसे मैं बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगी। प्राकृतिक खेती पर इन दिनों काफी जोर दिया जा रहा है, खासतौर पर प्रधानमंत्री से भी हमने सुना है कि उन्होंने भी किसानों से आह्वान किया है कि वो प्राकृतिक खेती को अपनाएं। जानना चाहेंगे कि क्या खासियत है प्राकृतिक खेती की, खेती की ये कौन सी पद्धति विधि है जैसे कि प्राकृतिक खेती कहा जा रहा है। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए, प्राकृतिक खेती का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान इसलिए किया है क्योंकि आज की ये जरूरत है। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मिट्टी एकदम बंजर होती जा रही है, संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन है, जल हो वायु हो, ये सब प्रदूषित होती जा रही है, तो इसलिए आवश्यक है कि हम प्राकृतिक खेती को अपनाएं। दूसरी बात यह है कि प्राकृतिक खेती से जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती जाती है और हम आने वाली जनरेशन को बहुत उपजाऊ जमीन दे सकते हैं, देकर जाएंगे हमारे किसान भाई। इसके अलावा जो हमारा जो जल संसाधन है वो भी एक कम होता जा रहा है, इसलिए उसको आवश्यकता है कि हम प्राकृतिक खेती करें जिसमें कि जल की बहुत कम आवश्यकता होती है, तो एक तरह से जल का संचयन भी होता है, कम इस्तेमाल होता है और इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं पड़ती, कोई पेस्टिसाइड नहीं पड़ती, तो खर्च भी बहुत कम है। तो फायदे ही फायदे हैं इस प्राकृतिक खेती से। किसान को उसका एक लाइफ स्टाइल कह लीजिए कि एक जीने का तरीका प्राकृतिक तरीके से ये बतलाता है। और दूसरी बात यह है कि खेतों में कई फसलें एक साथ दी जाती हैं जिससे कि मिट्टी और मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है और जो जल का उपयोग है वो कम हो जा रहा है और लागत कम हो रही है, उपज अच्छी मिल रही है। और अगर सर्टिफाइड प्राकृतिक खेती करते हैं तो उनको प्रीमियम प्राइस भी किसान को मिलता है, इस वजह से उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। जी हाँ, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि बेहद ही कम लागत में आप प्राकृतिक खेती कर सकते हैं और इससे आपको आर्थिक लाभ के साथ साथ और बहुत सारे फायदे होते हैं जिनके बारे में विस्तार से आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। रासायनिक खेती और उसके दुष्प्रभावों से हम सभी वाकिफ हैं। खेती में ज्यादा मुनाफे के लिए किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रासायनिक खेती के दूरगामी परिणाम को देखते हुए अब किसान वापस उसी राह पर चलना चाहते हैं जो प्रकृति में जाकर मिलती है, क्योंकि रसायन के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में लगातार कमी होने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब भूमि बंजर हो जाती है।
और इस तरह से तैयार होने वाली फसलें हमारे शरीर में कई तरह की व्याधियों का कारण बनती है। वहीं प्राकृतिक और जैविक खेती से प्रकृति और पर्यावरण में संतुलन रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग न करके खेत में गोबर की खाद, जीवामृत, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम से पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। फसल को प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीटों, जीवाणुओं और जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीटों और बीमारियों से रक्षा की जाती है। इससे मिट्टी, पर्यावरण और हमारी सेहत सही बनी रहती है। इसीलिए सरकार अब प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। ज्यादातर किसान भी इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसमें जितना जरूरी नई तकनीकों को अपनाना है, उतना ही जरूरी पशुपालन करना भी। पशुओं से जहां दूध मिलता है, वहीं इनके गोबर, गौमूत्र से प्राकृतिक खेती की खाद और जैविक कीटनाशक मिलते हैं। इस तरह से खेती के साथ पशुपालन करने से मुनाफे में इजाफा किया जा सकता है और खर्च में कमी। जी हाँ, तो प्राकृतिक खेती पर ये छोटी सी रिपोर्ट आपने देखी। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और दलहनी फसलों के आइए अब बात करते हैं। डॉक्टर तोमर, आपसे हम जानना चाहेंगे ये दलहनी फसलों के बारे में, इनके महत्व के बारे में, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी थाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है दलहन, और इसका क्या महत्व है ये हमें बताए, साथ ही इसकी जो व्यावसायिक खेती है वो किस पैमाने पर इस वक्त की जा रही है, जानना चाहेंगे आपसे। दलहनी फसलें जो हैं, जैसे वायुमंडल में उपस्थित जो 78% नाइट्रोजन होती है उसका भूमि में स्थिरीकरण करती हैं। इसके अलावा दलहनी फसलों में जो प्रोटीन है वो भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। साथ ही कुछ जो कम अवधि की दलहनी फसलें होती हैं वो फसल चक्र में आसानी से समाहित हो जाती हैं, और इसके अलावा बहुत ही पोषणमान होता है इनका दलहनी फसलों का, तो ये सब इसमें लाभ हैं। इसके अलावा एक और बात है, जो कम पानी की आवश्यकता होती है इनको उगाने के लिए, ये 2 या 3 पानी में ही ये जो है उगाती हैं। जी बिल्कुल, तो दलहनी फसलों में इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य आपको करने चाहिए, इनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। इस समय दलहनी फसलें बढ़वार की ओर हैं, जिनमें मुख्य रूप से लोबिया, अरहर, मूंग, उड़द शामिल हैं। ऐसे में फसलों को खास देखभाल की जरूरत होती है। जिन इलाकों में जलभराव की समस्या है वहाँ के किसान खेतों से फालतू पानी निकालें। जलभराव के कारण जो पौधे खराब हो गए हों उन्हें उखाड़ कर अलग कर दें। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण करें। अरहर की फसल में फली बेधक मक्खी से फसल को बचाने के उपाय करें। उत्तरी भारत में ये कीट फसल को काफी नुकसान पहुँचाता है। इस कीट के बच्चे जिन्हें मैगेट कहते हैं, जो फलियों के अंदर घुसकर दाने खाते हैं, इसके प्रकोप से करीब 50% तक फसल खराब होने की आशंका रहती है। इसके लिए किसान फसल की लगातार निगरानी करते रहें। नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफॉस 0.04% घोल का छिड़काव करें। इसके अलावा अरहर की फसल को फली बग से सुरक्षा देने के प्रबंध करें। ये कीट प्रौढ़ व निम्फ पत्तियों, कलियों, फूलों व फलियों का रस चूसता है, इससे फलियां सिकुड़ जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए भी मोनोक्रोटोफॉस 0.04 दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उड़द और मूंग की बात करें तो फली छेदक कीट की रोकथाम के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाएं। ट्रैप की समय समय पर जांच करते रहें। 5 से 6 नर अगर 24 घंटे के अंदर मिलने लगे तो नियंत्रण आसान हो जाता है। इस समय खेतों में जल भराव होने से बचाएं। उड़द की फसल में सिंचाई की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन फिर भी यदि सितंबर महीने के बाद बारिश ना हो तो फलियां बनते समय एक बार हल्की सिंचाई जरूर करें। फसलों में दवा का छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। जी हाँ, तो दलहनी फसलों में किस तरह के समसामयिक कार्य आपको करने चाहिए, इस पर ये रिपोर्ट आपने देखी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। विपिन जी इस वक्त हमारे साथ सागर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी
जी नमस्ते मैम, मेरा सवाल ये था कि सोयाबीन में अरहर मिक्स करके बोया था और उसमें खरपतवार है जी। तो ऐसे में कौन सी दवा डालें जिसमें सोयाबीन और अरहर को कोई दिक्कत ना हो और खरपतवार चला जाए। और दूसरा सवाल ये था कि अरहर का जो बीज था वो था तो कम अवधि वाला, लेकिन कभी कभी ये होता है कि गेहूँ के लिए लेट हो जाते हैं उस टाइम पर, तो कोई उपाय भी है ऐसा कि जल्दी से जल्दी फसल आ सके और हम गेहूँ की बुआई भी कर सकें। इसमें एक सवाल ये है कि आपको कितने दिन बोए हुए होगे सोयाबीन और अरहर को, क्योंकि खरपतवारों की एक क्रांतिक अवस्था होती है, तो उसमें ही हम खरपतवार अगर नियंत्रित करें तो उसमें हमें ज़्यादा फायदा होता है। तो आप मतलब थोड़ा ये बताएं कि कितने दिन हो गए इसको बोए हुए। जी विपिन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। क्या ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? इसमें अगर खरपतवार हैं तो पहले तो सबसे अच्छा तो यही है कि आप खुरपी की सहायता से उनको निकाल दें, लेकिन अगर बहुत सारे क्षेत्र में आपने उनको मतलब क्षेत्र पर ज़्यादा है और मजदूर उपलब्ध नहीं है तो फिर हमें जो है शाकनाशी का इसमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो उसमें आप इस समय अगर खड़ी फसल में 30 दिन के आसपास अगर फसल है तो इसमें हम इमीजाथापर जो है वो 90 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इससे अगर ज़्यादा दिन की फसल है तो फिर इसमें हमें केवल खरपतवार जो है वो खुरपी की सहायता से ही निकालने पड़ेंगे जी। इसके अलावा उनका एक दूसरा सवाल भी था अरहर के लिए, शायद वो चाहते थे कि जल्दी तैयार होने वाली फसल अगर वो लेना चाहें तो किस तरह से ले तो सकते हैं? इसके लिए कुछ वैरायटी हैं, जैसे प्रभात है, उपास 120 है, इनका आप जो है बुआई कर सकते हैं। इसमें जो है ये गेहूं के साथ मतलब जल्दी पक जाती हैं दिसंबर में और फिर हम इसकी गेहूं की बुआई कर सकते हैं अगर ये प्रजाति आप लेंगे तो। जी बिल्कुल विपिन जी, मुझे उम्मीद है आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा और आप इस सलाह पर अमल भी जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हुए। डॉक्टर वंदना द्विवेदी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि प्राकृतिक खेती को जो किसान अपनाना चाहते हैं उन्हें शुरुआत किस तरह से करनी चाहिए? देखिए, प्राकृतिक खेती की शुरुआत के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि जो ये चालू वर्ष चल रहा है इसमें सिर्फ हम जन जागरण का कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकारें हों या हमारे कई इंस्टीट्यूट हैं, जैसे मैनेज है हैदराबाद का, उन्होंने भी एक विस्तार से एक प्रोग्राम चलाया है जिसमें उन्होंने जो हमारे ग्राम पंचायत प्रधान हैं उनकी ट्रेनिंग कराई, अवेयरनेस कराया। इस तरह से हमारा नेशनल सेंटर ऑर्गेनिक फार्मिंग है गाजियाबाद में, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, उन्होंने भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं सिर्फ अवेयरनेस के लिए। तो पहले चूंकि ये पद्धति वैसे तो इस देश के लिए नई नहीं है, लेकिन चूंकि हम इस समय दूसरे तरीके की खेतियां कर रहे हैं और जो हम अपना पुरानी जो प्राकृतिक खेती थी उसको नहीं कर रहे थे, तो हमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की जरूरत है। तो हर इसका विस्तार से अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार चला रही है और इसके लिए हमने जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है उनको भी कहा है कि आप एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट लगाइए अपने खेत पर और वहां पर किसानों को बुलाकर उनको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कराइए उनका और उनको बताइए कि कैसे करना है इसको उगाना है। तो इस तरह से किसानों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं और तो खासतौर पर जागरूकता पर इस वक्त काफी ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर द्विवेदी, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हरलाल जी इस वक्त मंदसौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरलाल जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, मैं ग्राम धतूरिया तहसील और जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से हरलाल धन बोल रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ये प्राकृतिक खेती क्या होती है। जी बिल्कुल, आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं और डॉक्टर द्विवेदी मैं चाहूंगी कि आप एक बार देखिए, प्राकृतिक खेती एक खेती की एक ऐसी विधा है जिसमें कि हम सिर्फ जो प्रकृति में हम जो किसान के पास उपलब्ध संसाधन है उसी से खेती करते हैं, कोई भी चीज बाहर से हमें नहीं खरीद के डालनी है खेती में। तो इस विधा में यह है कि हमारे किसान के पास पशु हमेशा से रहते हैं, गोधन रहता है उनके पास, तो गाय का जो गोबर है और गोमूत्र है उससे हम तैयार करते हैं बीजा जीवामृत, गन जीवामृत तैयार करते हैं और उसी का इस्तेमाल हम खेत में करते हैं। और इसी बात की ट्रेनिंग पूरे देश में इस समय चल रही है कि किसान उसको कैसे तैयार करें जो ये आदान है और उनका कैसे इस्तेमाल करें। और इसकी शुरुआत करने के लिए किसान को पहले तो प्रण करना है कि उन्हें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही
खादों का, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। और इनमें जो हमारी पहले जैसे आप लोग करते थे कि कन्वेंशनल फार्मिंग में कि एक ही क्रॉप ले लिए, गेहूं है तो गेहूं गेहूं लगाए, धान है तो धान ही धान लगाओ पूरे खेत में, तो इसमें कई फसलें एक साथ आप लीजिए, जैसे रबी की कई फसलें एक साथ ले सकते हैं, कुछ दलहनी फसलें भी लीजिए उसमें, कुछ सब्जी भी ले सकते हैं आप, कुछ थोड़े से फल वाले वो भी लगा सकते हैं मेड़ों वगैरह में। तो इससे क्या होगा, किसान को एक तो मल्टी क्रॉपिंग हो गई उसकी, कई सारी फसलें एक साथ हो गई, और कोई भी चीज बाहर से खरीदनी नहीं है आपको, सब अपने खेत में बनानी है जो आपके पास है, और अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो ये प्राकृतिक खेती से आपको, आप देखेंगे कि आपका कोई खर्च नहीं है, बहुत मामूली सा खर्च है और फायदे ही फायदे हैं। फसल की आप देख रेख किसान स्वयं करता है, और ये बस इसमें ये ध्यान रखना है किसान को स्वयं खेती करनी पड़ेगी तभी ये प्राकृतिक खेती कर सकता है, ये एक ध्यान रखने की बात है। तो लाल जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर तोमर आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त जिन किसानों के खेतों में दलहनी फसलें लगी हुई है, बढ़वार की अवस्था में हैं, उन किसानों को अच्छी पैदावार लेने के लिए इस वक्त क्या करना चाहिए? इस समय देखो दो तरह की फसलें हैं, एक तो कम अवधि की फसलें हैं जैसे मूंग है, उड़द है, और एक लंबी अवधि की जैसे अरहर है जो दिसंबर में पकेगी, या उसके बाद और भी लंबी अवधि की है, क्योंकि अरहर भी तीन तरह की होती है, एक तो जो है 120 से 130 दिन में पक जाती है, दूसरी अरहर जो है वो 160 दिन में पकती है, और तीसरी जो है वो 180 दिन से ज़्यादा का समय लेती है। तो इसमें अगर हम कम अवधि वाली यानी मूंग और उड़द की बात करें तो वो उसमें जो है फलियों में दाना भरने की अवस्था होगी, और इस समय उसमें जो पोड बोरर कहते हैं यानी दाने के फली के अंदर जो कीट घुसता है उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होगा, एक तो उसको आपको फसल से बचाना है। और अरहर में इस समय जो है एक इसमें कीट लगता है स्टरलिटी मोइजक जो वायरस से फैलता है, वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, अगर एक बार शुरुआत उसकी हो जाए तो वो फिर फल एक मक्खी होती सफ़ेद मक्खी होती है उससे वो फिर सारे खेत में फैल जाती है, तो उसको भी अगर उस तरह की समस्या शुरुआत में किसान भाई देख रहे हैं तो उसको भी आपको रोकथाम की आवश्यकता है। बिल्कुल, इसके अलावा और किस तरह के समसामयिक कार्य आवश्यक है ये जानेंगे, और प्राकृतिक खेती के बारे में भी हमारी विस्तार से चर्चा जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा, मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मांगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है, ब्याज चुकाने के लिए पूरा एक साल मिलता है, समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस, और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है, तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम प्राकृतिक खेती और दलहनी फसलों में समसामयिक कार्य के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आप कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से जानकारी ले सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नरेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटा राजस्थान से। नरेंद्र जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते मैम, मैं कोटा राजस्थान से नरेंद्र सिंह फाड़ा बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, बताएं। जी मेरा सवाल ये था, मैं प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना चाहता हूँ पर मेरे पास पशुधन नहीं है। अच्छा, तो मैं किस तरह से प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर सकता हूँ? जी बताएं डॉक्टर द्विवेदी, क्या बगैर पशुधन के भी संभव है प्राकृतिक खेती? के लिए पशुधन नहीं है तो आप आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी किसान भाई हैं आप उनसे ले सकते हैं,
खरीद भी सकते हैं और कुछ राज्यों ने तो पशु पालन के लिए कुछ एक फिक्स अमाउंट कर दिया है कि 900 रुपए कितना पर मंथ एक देंगे कि आप गाय को पाल सकते हैं, तो या कोई सहायता भी दे रहे हैं, कुछ राज्य जो हैं गाय खरीदने की भी सहायता दे रहे हैं। तो ये जो गौ का गोबर है और गोमूत्र है ये तो अति आवश्यक है क्योंकि यही बेसिक है प्राकृतिक खेती का, तो इसलिए अगर आपके पास नहीं है तो आप आसपास से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। और जो हमारी स्कीम है, जो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग एक जो प्राकृतिक खेती की स्कीम बनाई है उसमें किसानों को एक थोड़ी सी सहायता भी दी जा रही है जिससे कि वो खरीद भी सकते हैं। लेकिन हमने खरीदने के ऊपर बहुत हमारा आग्रह है कि खरीदने वाला काम ना करें, अगर पशुधन नहीं है तो कोशिश करें कि आप एक गाय पालें, वो बहुत ही आवश्यकता है क्योंकि उससे आपको दूध भी मिलेगा और आप खेती भी कर पाएंगे उसके लिए। दूसरी बात ये कैसे शुरुआत करें, इसके लिए आप जो अगर आपके आसपास जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है या आपके राज्य सरकार के असिस्टेंट डायरेक्टर विलेज लेवल कोई भी अधिकारी हो उनसे आप संपर्क करके और इसको विस्तार से जानें, क्योंकि ये सब बनाना आपको स्वयं पड़ेगा अपने खेत में और उसके बाद ही आप खेती को आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। दूसरा, हम किसान भाइयों के लिए एक ज्ञानवर्धन के लिए बता दें कि भारत सरकार का कृषि मंत्रालय जो है वो एक नेचुरल फार्मिंग का पोर्टल भी बना रहा है जिसमें कि एक ये सारी विधियां कैसे ये आदानों का तैयार करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी फसलें लेनी है, कैसे रख रखाव करें, कैसे सर्टिफिकेशन कराएं प्राकृतिक खेती का, तो जिससे कि उनको अच्छे लाभ मूल्य मिल सके, प्रीमियम प्राइस मिल सके, इसका एक पोर्टल भी लेकर आ रही है। जी डॉक्टर द्विवेदी, यहाँ पर पशुओं की बात चल रही है, आपसे जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती के लिए क्या जरूरी है कि जो देसी नस्ल के पशु हैं इन्हें ही रखा जाए, उनकी क्या अहमियत है इसमें समझना चाहेंगे आपसे। देखिए हमारे यहाँ जो गाय है, हमारी गाय है और उससे ही प्राकृतिक खेती हो जाती है। अगर किसान भाइयों के पास अगर देसी गाय है तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर हमारे पास गाय ही है, देसी गाय नहीं है, तो भी ये प्राकृतिक खेती होगी, इसमें ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपकी देसी गाय ही हो। जी बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही जैसे कि डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, वो कई तरह की योजनाएं चला रही है जिनसे आप जिनका लाभ उठाते हुए आप खुद पशु पाल सकते हैं और इससे काफी लाभ भी है क्योंकि जहां एक तरफ आप प्राकृतिक खेती कर सकते हैं वहीं गाय के दूध से बनने वाले कई तरह के जो उत्पाद है उससे भी आपको अतिरिक्त आमदनी हो सकती है, तो इसलिए इसे ही चुनाव करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, दिनेश जी बताएं क्या जानना चाहते हैं आप। दिनेश जी आपसे गुजारिश होगी कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, इससे बातचीत में रुकावट आएगी, आप सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए हमसे बातचीत करें। जी मैडम जी नमस्कार। जी जी नमस्कार दिनेश जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, पूछे अपना सवाल। मैडम जी मैंने जो है ना वो बोए थे मूंग बो रखे गोभी के, आपने मूंग की बुआई की है? हाँ जी। अच्छा ठीक है, अभी थोड़े दिन पर अभी लगाए हैं मैडम जी। जी तो उसके लिए थोड़ी जानकारी चाहिए मैडम जी, इसमें क्या डालना चाहिए मुझे, मेरे को अभी नहीं जी। क्या समस्या आ रही है उसमें, मतलब समस्या क्या आ रही है आपको लगाने के बाद, मतलब कोई समस्या आ रही है उसमें? समस्या सर कुछ नहीं है, लेकिन अच्छी पैदावार अच्छी पैदावार आप चाहते हैं। हाँ जी थोड़ा उसमें पानी की कमी है सर मेरे यहाँ पर। ठीक हाँ, तो आप उसमें किस अवस्था में, या बढ़वार की अवस्था में क्या, या फली आ रही है उसमें? देखो इसमें ऐसा है, अगर फूल वाली अवस्था है तो इसमें पानी की बेहद आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? तो अगर फूल वाली अवस्था है तो उसमें आप किसी भी तरीके से पानी का इंतजाम करके पानी दे दें, अगर इस समय अगर आप पानी नहीं देंगे तो उसमें फसल पर जो विपरीत प्रभाव पड़ेगा और उपज जो है काफी कम हो जाएगी। जी ठीक है बिल्कुल दिनेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर तोमर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मेरा सिंचाई को लेकर, बताएं हमें जो किसान जिन्होंने दलहनी फसलें ली हुई हैं, सिंचाई की व्यवस्था उन्हें किस तरह से करनी चाहिए, कितने पानी की आवश्यकता? सिंचाई की देखो इसमें तीन क्रांतिक अवस्थाएं होती है, इसमें अगर मान लिया आपके पास तीन पानी उपलब्ध हैं तो एक हम बढ़वार के समय दे दें, दूसरे जो है हम फूल आने के समय दे दें, और तीसरी जो है वो
फली जिससे हमें दाना भरने लगे उस समय दे दें, और अगर हमारे पास केवल एक ही सिंचाई उपलब्ध है तो हमें वो फूल आने के समय देनी चाहिए, और अगर हमारे पास दो सिंचाई उपलब्ध है तो एक फूल आने के समय और दूसरी जो है वो फलियों में दाना भरने के समय देनी चाहिए जी। तो ये इसकी क्रांतिक अवस्थाएं, अगर इन अवस्थाओं में आप सिंचाई नहीं करेंगे तो फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और उपज जो है वो काफी कम हो जाएगी जी। बिल्कुल, तो सिंचाई की जो व्यवस्था है उसका उचित इंतजाम करना बेहद जरूरी है दलहनी फसलों के लिए। बातचीत को आइए आगे बढ़ाते हैं, और प्राकृतिक खेती से जुड़ा डॉक्टर द्विवेदी मेरा सवाल है, जो भी किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, ये अक्सर उनके मन में सवाल होता है कि उत्पादन जो है उसमें किस तरह का फर्क पड़ेगा बनिस्पत रासायनिक खेती का। इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी इस वक्त बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। नंद स्वरूप जी, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं ये जानना चाहता हूँ जो हमारी दलहनी की फसल अरहर होती है इसमें उकठा रोग लगने की बड़ी संभावनाएं पाई जाती है, पत्ती लपेटक बीमारियां भी पैदा हो जाती है, तो ऐसी दशा में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो इसमें उकटा रोग विल्ट बोलते हैं, तो वह जो है कवक से लगता है, तो इसमें सबसे जरूरी यह है कि आप शुरुआत में जब आपने बुवाई की होगी तब आपको थोड़ा ध्यान देना था, बीज उपचार करना था कवकनाशी से, और अगर आपने उस समय कवकनाशी से बीज उपचार किया होता तो अब इसकी संभावना काफ़ी कम होती। लेकिन अगर जैसा आप बता रहे हैं कि अब उकटा इसका विल्ट का प्रकोप है, उकटा का प्रकोप है, तो उसमें आप जो है कोई भी कवकनाशी ले लें, जैसे जिनेब है या डाइथेन जेड 78 है या डाइथेन M45 है, तो उसका आप जो है अगर उसकी किस्त कितना मतलब किस रोग लगा है उसके हिसाब से एक से दो छिड़काव जो है वो आप फसल पर कर दें, तो उससे जो है इसका नियंत्रण हो जाएगा जी। नंद स्वरूप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। डॉक्टर द्विवेदी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि रासायनिक खेती के बनस्पत प्राकृतिक खेती में उत्पादन में किस तरह का फर्क आता है, मात्रा के हिसाब से भी और गुणवत्ता के हिसाब से भी? देखिए, जो हमारी इस समय मिट्टी की उर्वरता स्तर है जी जी, वो काफ़ी नीचे आ गया है, ठीक है, इसी वजह से ही आवश्यकता हम पड़ रही है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। दूसरी बात ये कि अब एक ऐसा क्रिटिकल टाइम आ गया कि अब जितना भी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डालते जाइए उपज उस हिसाब से नहीं बढ़ती है, तो फल ये हो रहा है इसका कि लागत बढ़ती जा रही है, उपज नहीं बढ़ रही है और क्वालिटी खराब हो रही है, इसीलिए कई सारे रोग भी आने लगे हैं, मतलब बीमारियां उसको कंज्यूम करने से आती हैं। आपने देखा होगा कोविड के टाइम में लोगों ने ऑर्गेनिक के ऊपर काफी स्ट्रेस रहा, लोगों ने उसको खरीद कर उसको इस्तेमाल किया, उसके फायदे भी देखे महसूस किए। तो जो प्राकृतिक खेती में हम फसलें करते हैं इसमें लागत तो कम है निश्चित ही, क्योंकि हमें बाहर से कुछ खरीद के डालना ही नहीं है, लेकिन इसमें जो क्वालिटी है प्रोड्यूस की, जो उत्पाद आते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, और गुणवत्ता सिर्फ उत्पाद की ही अच्छी नहीं है, हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जा रही है, मिट्टी का पानी का कंजम्पशन कम हो रहा है, कम इस्तेमाल होता है, कम लगता है, तो उसकी बचत होती है, और जो भूमिगत जल है वो भी सही हो जाता है, तो इसमें मतलब और किसान स्वयं महसूस करता है कि जो स्प्रे करते हैं कई बार बीमार पड़ जाते हैं, पेस्टिसाइड के स्प्रे से बीमार हो जाते हैं, तो वो सारी भी समस्याएं नहीं है, तो ये एक हमारे एक जीने का तरीका बन जाएगा। आप देखेंगे कि अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन आने वाले समय में किसान भाई और जनता खुद ही महसूस करे कि हम प्रकृति की ओर जितना ज्यादा रहेंगे उतने ही सुरक्षित रहेंगे। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, जैसा कि आपने बताया कि कोविड काल में लोगों ने ये बहुत ज्यादा महसूस किया कि जितना प्रकृति के करीब रहा जाए उतना ही बेहतर है, और ऐसे में खान पान की आदतें लोगों की अब बदल रही है, भले ही दो पैसे ज्यादा लगाने पड़े लेकिन चाहते हैं कि उन्हें गुणवत्ता युक्त सामग्री मिले, और इसलिए चाहे जैविक खेती हो या प्राकृतिक खेती हो इसकी जो समय की मांग ये अब बनता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेमंत जी इस वक्त नासिक महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी हेमंत जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो हेमंत जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेलो जी हेमंत जी, आपका आवाज है, मेरा सवाल है जी सोनकत के बारे में। अभी तो बात चल रही थी जी, अभी तो सब पूरी बात चल रही थी गोबर के बारे में जी। इंसान का जो शौच होता है वहाँ से भी बड़े बड़े अपना बड़े प्रयोग किए हुए हैं, लेकिन इकोलाइट नाम का कोई ऐसी चीज आई थी बीच में जिसके कारण फॉरेन में जाने वाला सामान रिजेक्ट हुआ था,
उसके बारे में कोई लेटेस्ट है, कोई रिसर्च है तो बताइए जी। डॉक्टर द्विवेदी, ई कोलाई के बारे में जी 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 देखिए ऐसा है कि जो जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो हमने जैसा कि बताया कि इसमें गोबर का काउ डंग एंड काउ यूरिन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम ऐसा ही नहीं इस्तेमाल करते हैं, उसको हम फर्मेंट करके तैयार करते हैं आदानों को, तब उसका इस्तेमाल खेत में करते हैं। तो जो आप ये कह रहे हैं कि इसमें इसका प्रकोप होगा, ऐसे प्रकोप की संभावना नहीं है, इसीलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और जब हम ट्रेनिंग प्रॉपर करके किसान आगे बढ़ता है, ट्रेनिंग लेने के बाद बढ़ेगा, तभी तो आप देखें ना कि इस ये पहला साल सिर्फ अवेयरनेस के लिए किया गया है, क्योंकि लोगों को, किसान भाइयों को कैसे तैयार करनी है चीजों को और उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये सीख लें, उसके बाद करें। तो इस समय जो हमारी रुझान है पूरे सरकार का वो इसी तरफ है कि कैसे लोग, किसान भाई सीखें इसको और उसका इस्तेमाल करें। तो आप इस बात से निश्चित रहिए कि किस तरह की कोई समस्या आने वाली है, लेकिन एक बात और बताएंगे कि हमारे कृषि वैज्ञानिक भी काफी स्तर पर इसको काम कर रहे हैं, इसमें कई मल्टी लोकेशनल ट्रायल्स चल रहे हैं जिसके आधार पर वो बताने में सक्षम होंगे कि इससे क्या क्या फायदे हैं, और ये इंश्योर कर रहे हैं कि इससे कोई भी नुकसान नहीं है। आपने देखा कि हमारे जो आंध्र प्रदेश के किसान हैं वो बहुत काफी समय से प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं, उन्हें तो कोई समस्या नहीं आई अभी तक, या हिमाचल हो या गुजरात हो, वहां के किसान भी कर रहे हैं, इस तरह की कोई समस्या आई नहीं है उनको। इसलिए आवश्यकता इस बात की हम सही तरीके से जान के किसान भाई आगे बढ़े ताकि उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल हेमंत जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। देश के कई राज्यों में किसान प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं और सफलतापूर्वक इसे कर रहे हैं, उनके बहुत ही अच्छे परिणाम भी उन्हें मिल रहे हैं, इसलिए शंका होना बहुत ही वाजिब सी बात है। बेहतर है कि प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो उससे पहले प्रशिक्षण ले लें। बहरहाल इसी तरह से हमारी चर्चा यहां पर जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काश्वी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचान PGS ऑर्गेनिक का ये लो। उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ, पर हम तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम प्राकृतिक खेती और दलहनी फसलों में समसामयिक कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आप इन विषयों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम के दौरान हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। बातचीत को आइए यहां पर आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर तोमर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने जिक्र भी किया था कि कई तरह के कीट का प्रकोप हो सकता है दलहनी फसलों में, इनसे बचाव के लिए किसान किस तरह के उपाय अपना सकते हैं, आपसे जानना चाहेंगे। कीट इस समय जैसे
सफ़ेद मक्खी है, वाइट फ्लाई बोलते हैं। इसके अलावा पत्ती लपेटक है, उसमें कीट जो है पत्ती को पूरा लपेट देता है, वो उससे जब पत्ती लपेट जाती है तो जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, जिससे जो है पौधे को भोजन नहीं मिल पाता। तो इसके अलावा और इसमें लगता है वाइट जैसिड्स हैं, एफिड्स हैं, वो सब लगते हैं जो रस चूसते हैं पत्ती का। तो इसमें आपको ध्यान ये देना है कि अगर वो कम मात्रा में लगे हैं तो उसमें तो आप सीधे कीटनाशक की तरफ ना जाएं, लेकिन अगर फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं तो फिर आप उसमें कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कार्बरिल है या कार्बोफ्यूरान है, या इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है नीम, मतलब कार्बनिक रूप से आप उसका प्रयोग करना चाहें, तो उसमें नीम की जो है 1 किलो नीम ले लें और 20 लीटर पानी में उसको रात को भिगो दें, और सुबह उसमें जो है 200 ग्राम जो है एक सर्प जो होता है वो मिला दें, और इसको 800 लीटर पानी में आप छिड़क देंगे, तो इससे भी जो है कीटों का काफी जो है प्रकोप जो है वो कम हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। मुकेश चौहान जी इस वक्त खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो, हाँ नमस्ते मैडम जी। नमस्कार, बताएं मुकेश जी। मैडम कपास की खेती में यदि गोबर गैस का पानी और गोमूत्र का छिड़काव जी, आइए जानते हैं कि कपास की खेती प्राकृतिक तौर पे की जा सकती है या नहीं। बिल्कुल की जा सकती है, प्राकृतिक खेती के लिए कोई एक फसल नहीं है, सारी फसलों में प्राकृतिक खेती की जा सकती है, बशर्ते कि आपको उसके जो आदान है उसको बनाने का तरीका सही से सीखना पड़ेगा, कोई भी फसल हो। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि प्राकृतिक खेती में सिर्फ एक ही फसल लेके ना चलें, कई फसलें एक साथ लगाएं, मल्टी क्रॉपिंग करने के साथ साथ इसका इस्तेमाल करें, तो आप आपको बिल्कुल कर सकते हैं उसको, उसमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर द्विवेदी, आपसे हम उदाहरण के साथ समझना चाहेंगे कि ये जो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम है इससे क्या फायदा होता है। देखिए जो इसका बेसिक फायदा हम आपको बता दें, जो मल्टी क्रॉपिंग से वैसे तो किसानों को बहुत से फायदे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा फायदा ये है कि मिट्टी जो है वो मल्टी क्रॉपिंग का मतलब है कि हर क्रॉप का जड़ नीचे जाने की एक अलग अलग क्षमता होती है, किसी की जड़ें थोड़ी नीचे जाती हैं, किसी की ज्यादा नीचे जाती हैं, किसी की और ज्यादा नीचे जाती हैं, तो जो ऊपर से नीचे तक की पूरी मिट्टी जो है वो एकदम परफोरेटेड सी हो जाती है, जिसकी वजह से जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। दूसरी बात, प्रॉपर एयर उसमें वायु का संचार अच्छा होता है, तो जब इस ये हो जाता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मिट्टी में वो बहुत एक्टिव रहते हैं, इसीलिए कहते हैं ऐसे पानी एकदम भर गया तो फसलें क्यों खराब हो जाती हैं, इसीलिए हो जाती है कि वो जो कीट हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवाणु है वो कार्य नहीं कर पाते हैं, वो कई तरीके के होते हैं, एरोबिक होते हैं, एनएरोबिक होते हैं। तो इसलिए एक तो सबसे फायदा ये है कि हमारी मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ती है और उसमें वायु का संचार होने से जो पोषक तत्व अवशोषण की क्षमता है मिट्टी जड़ों की वो भी बहुत बढ़ जाती है। दूसरा ये है कि जो सूर्य का प्रकाश मिलता है वो हर क्रॉप को अलग अलग तरीके से मिल जाता है एक ही खेत में, और उसकी वजह से भी अच्छा प्रोडक्शन मिल जाता है। तीसरी बात यह है कि कई बार जो जिस तरह से जलवायु का प्रकोप हो रहा है तो उसमें जो पर्यावरण की वजह से या जलवायु के प्रकोप की वजह से कोई फसल मान लीजिए खराब हो गई तो दूसरी फसलें तो बची हुई हैं, तो किसान को एश्योर्ड इनकम होती है एक तरीके से कि ऐसा नहीं कि एकदम बर्बाद हो गया, एक फसल गई तो वो पूरा बर्बाद हो गया। और पूरे मौसम चूंकि किसान स्वयं खेती कर रहा है तो उसको राउंड द ईयर पूरे साल भर कुछ ना कुछ फसल मिलती है और उसको कुछ भी बाहर से खरीदना नहीं पड़ता, सब चीज पहले हमारे देश में यही तो होता था। ये तो जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन आई उसकी वजह से जब खादों का इस्तेमाल ज्यादा हुआ, कीटनाशकों का इस्तेमाल ज्यादा हुआ तो मोनोक्रॉपिंग शुरू हो गई, धान होने लगा, गेहूं होने लगा, ये हो गया। लेकिन हमारी जो परंपरागत तरीका तो यही था कि हमारे खेत से ही सब चीजें आती थी किसान के घर में, उसको कुछ नहीं खरीदना पड़ता था। जी बिल्कुल, तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आप एक साथ कई फसलें प्राकृतिक खेती में ले सकते हैं और इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर तोमर आपका रुख करना चाहूंगी मैं। दलहनी फसलें जो किसान लेते हैं अक्सर उन्हें खरपतवार की समस्या से जूझना पड़ता है, ऐसे में खरपतवार नियंत्रण के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। खरपतवार नियंत्रण जो है वो
शुरुआत में हर फसल में जैसे क्रांति का अवस्था होती है खरपतवार नियंत्रण की, तो इसमें भी दलहनी फसलों में भी एक क्रांति का अवस्था होती है जिसमें जो कम अवधि की फसलें हैं जैसे उड़द है, मूंग है, लोबिया है, उसमें 15 से 30 दिन की क्रांति का अवस्था होती है, उसमें हमें खरपतवार नियंत्रण हमें कर लेना चाहिए। और अरहर में जो है वो 15 से 60 दिन की क्रांति का अवस्था होती है, उसमें खरपतवार नियंत्रण हमें कर लेना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण में जो हमें अगर शाकनाशी का प्रयोग करना है तो शाकनाशी जो है तीन तरीके के होते हैं। एक वो शाकनाशी होते हैं जो हमें बुआई से पहले ही भूमि में मिलाने पड़ते हैं जिसमें फ्लूक्लोरोलीन है, और दूसरे वो शाकनाशी होते हैं जो हमें बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर यानी कि फसल के अंकुरण से पहले ही हमें उनका छिड़काव करना पड़ता है जिसमें पेंडीमेथालीन है। और इसके अलावा एक वो शाकनाशी होते हैं जो हमें खड़ी फसल में यानी कि 25-30 दिन तक हम प्रयोग कर लेते हैं, उस तरह के शाकनाशी जैसे इमीजा थापर है वो हम दलहनी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर त्रिवेदी आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर खरपतवार की समस्या है तो जैसे कि कई बार खरपतवार नाशी का इस्तेमाल किसानों को करना पड़ता है, लेकिन अगर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो किसान क्या करें? देखिए जो प्राकृतिक खेती करते हैं यही तो खूबी है इस प्राकृतिक खेती के, इसमें खरपतवार और ये ज़्यादा नहीं आते हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि किसान जो है वो मैनुअली चीज़ों को खुरपी के द्वारा निकालता भी रहता है बीच बीच में, है ना। और दूसरी बात ये है कि अगर समस्या आ रही है जैसे शुरुआत में हो सकता है आय समस्या, तो इसमें एक प्रिपरेशन है 10 पौंडनी करके जो कई सारे पेड़ों की जो बना उसके एक तैयार किया जाता है पेड़ों के बीजों से, वो उसे 10 पौंडनी बोलते हैं। कई तरीके के पेड़ हैं जैसे कि नीम का बीज ले सकते हैं इस तरह से, और भी हैं करंज है, इन सब चीजों के बीज ले लेते हैं, तो उनसे 10 पौंडनी का जो छिड़काव करते हैं उससे वो पेस्ट हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि हम जब मल्टी क्रॉपिंग करते हैं तो ये एक जो किसान के मित्र कीट होते हैं वो भी आ जाते हैं, उसकी वजह से वो रोकथाम हो जाती है, तो नेचुरली हो जाती है रोकथाम उसमें। तो जब मोनोक्रॉपिंग में तो ये समस्या बहुत ज्यादा आती है, लेकिन जब हम मल्टी क्रॉपिंग करते हैं और प्राकृतिक खेती करते हैं समस्या ही कम आती है, और आती है तो हम ये इस तरह से ये तैयार कर लेते हैं 10 पौंडनी, उसके अर्क के इस्तेमाल से हम रोकथाम कर लेते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। अनिल राठौड़ जी इस वक्त बालाघाट मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अनिल जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। अनिल जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हेलो जी अनिल जी। मैम मेरा ये सवाल था, मैम जैसे प्राकृतिक खेती करते हैं हम लोग जी, मैम उसमें क्या है कोई भी खाद डाले, चाहे गोबर खाद डाले, पत्तों की खाद डाले, या फिर अपन अन्य खादे जो डालते हैं जी, इन खादों में मैम जो पोषक तत्व की मात्रा है काफी कम पाई जाती है, जैसे गोबर खाद में 1 क्विंटल गोबर खाद में 2 किलो नाइट्रोजन, 2 किलो फास्फोरस, 2 किलो पोटाश पाया जाता है, अन्य सूक्ष्म तत्व तो और भी पाए जाते हैं, मगर मैम जैसे पौधों और फसलों को ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत रहती है, तो ऐसी कोई खादें नहीं है क्या प्राकृतिक में जिससे ज्यादा पोषक तत्व प्राप्त हो पाए कम खाद देने से? जी बिल्कुल आइए जानते हैं। देखिए ऐसा है कि जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो आपने देखा कि इसमें जो आदान है, बीजामृत है, जीवामृत है, घन जीवामृत है जो और भी इनरिच होता है, तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करने से उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। दूसरी एक बात यह है कि हमें किसान भाइयों को जितने से ज्यादा खाद मैन्योर जो है उनके पास उपलब्ध है, जो उनके पौधों के अवशेष है उनको सड़ा गला के आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे खेत में उतना ही आपका मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, और खेत जब का ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा हो जाता है तो उसको पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अच्छी होती है और वो अच्छी फसलें होती है उसमें। जी बिल्कुल। तो इस तरह की किसी तरह की आशंका न रखें कि जो पोषक तत्व है वो भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाएगा अगर प्राकृतिक खेती को अपनाते हैं। जैसे जैसे आप प्राकृतिक खेती को अपनाते जाएंगे मिट्टी की अपनी उर्वरता शक्ति जो है वो काफी बढ़ जाती है रासायनिक खेती की तुलना में, और इससे काफी फायदा होता है, बढ़वा भी अच्छी मिलती है। एक चीज मैं यहाँ और ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि देखिए किसान भाई समझते हैं कि हम यूरिया डालते हैं जैसे कन्वेंशनल फार्मिंग है, तो क्या सारी
यूरिया इस्तेमाल हो जाती है? नहीं, उसका 25-30% ही तो प्रतिशत इस्तेमाल होता है, बाकी तो बह जाती है या भूमिगत जल को खराब करती है या नदी नाले जो भी है उनको उनको प्रदूषण क्रिएट करती है। तो जो पोषक तत्वों के को अवशोषित करने की क्षमता है पौधों की वो एक सीमित है, और वो हमारे नेचुरल खेती में जो हम आदान इस्तेमाल करते हैं उनसे हो जाती है। इस बात का वहम नहीं रखना चाहिए कि हमें हम तो केमिकल में इतने प्रतिशत देते थे, इतना ज्यादा 100 किलो देते थे और वो नहीं हो रहा है। ये हमारे जो पोषक तत्वों के शोषण करने की क्षमता है पौधों की उस पर डिपेंड करता है, और उसमें कोई उसका क्षरण नहीं होता है किसी तरीके का। तो इसलिए ये ठीक है, ये आवश्यक है कि शुरू में आपको कम मैन्योर जितनी भी ज्यादा खादों का इस्तेमाल करेंगे जल्दी रिच हो जाएगी सॉइल आपकी। बिल्कुल अनिल जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, और डॉक्टर तोमर आपसे जानना चाहेंगे कि वो किसान जो अब जल्द ही फसल में तुड़ाई करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, आप जानना चाहेंगे कि तुड़ाई के दौरान किन किन बातों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए, और इसके साथ ही जो दलहनी फसल है उसका भंडारण भी किसान काफी करते हैं, तो भंडारण के लिए भी हमें बताएं कुछ उपाय। किसान भाई इस समय जैसे मूंग की तुड़ाई कर रहे होंगे या उड़द की फलियों की तुड़ाई कर रहे होंगे जहाँ पे वो पक गई होंगी, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान ये है कि तुड़ाई करने के बाद उनको भंडारित करने से पहले नमी प्रतिशत, तो भंडारण के समय नमी जो है वो 10% के आसपास होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा नमी है तो उसमें भंडारण में जो घुन एक कीट है वो लग जाता है, वो उसको खा जाता है या खोखली कर देता है या उसकी गुणवत्ता खराब कर देता है। तो इसमें एक तो नमी का आपको ध्यान रखना है कि नमी जो है वो 10% के आसपास हो, और जब आप भंडारित करेंगे उसे तो भंडारित करते समय भी आप उसमें या तो ऑर्गेनिक है जैसे नीम वगैरह है या उसकी दाल बना के आप भंडारित करें जिससे वो घुन ना लगे। लेकिन अगर आप रसायन का सहारा लेते हैं तो एल्यूमिनियम फास्फाइड की 1 टैबलेट 1 किलोग्राम के हिसाब से आप उसमें रख दें, उससे वो घुन की समस्या नहीं आएगी और उसकी गुणवत्ता जो है वो खराब नहीं होगी। जी जी बिल्कुल, आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुँचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म? हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नईमुद्दीन जी झांसी से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। नईमुद्दीन जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी। हेलो जी नईमुद्दीन जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार मैम जी। नमस्कार, बताएं।
निवेदन ये था कि यदि बर्मी कंपोस्ट संरचना में अवांछनीय कीड़े जैसे चीटे चीटी इत्यादि आ जाए तो हम केचुओं की रक्षा कैसे करें, क्योंकि वही अच्छा। बर्मी कंपोस्ट बनाएगा और केचुआ किसान मित्र होता है, वही नष्ट हो जाएगा अगर कीड़े इत्यादि अवांछनीय कीड़े आए तो उससे बर्मी कंपोस्ट संरचना को कैसे हम सुरक्षित रखें ताकि हमें खाद मिल सके उपयुक्त। जी धन्यवाद मैम। जी जी डॉक्टर द्विवेदी क्या सुझाव देंगे ऐसे मैम? ये पूछ रहे हैं कि बर्मी कंपोस्ट में चींटियां लग रही हैं। जी, जिससे जो केचुए हैं वो नष्ट हो जा रहे हैं, तो जिससे नुकसान देखिए जो जब हम बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें गोबर का भी इस्तेमाल करते हैं, जो सड़ा गला गोबर है उसको शुरुआत में इस्तेमाल करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जो कई बार किसान ना ताज़ा गोबर डाल दिया, आपको पता है कि गाय का जो गोबर ताज़ा डालते हैं अगर डाल दिया आपने वो गर्म होता है, उससे किसान सॉरी उसके जो हमारे केचुए होते हैं वो उनको हानि होती है, वो कई बार खत्म हो जाते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव भी है कि अगर आपने ताजा गोबर डाल दिया तो उससे दीमक भी लगेगी और केचुए तो मर ही जाएंगे। तो एक ये सावधानी रखिए कि जब हम बर्मी कंपोस्टिंग करने जा रहे हैं तो उसमें सड़ा गला हुआ गोबर डालते हैं, जिससे कि पुराना गोबर, जिससे कि हमें इस तरह की कोई परेशानी नहीं। दूसरी बात है, जिस पोर्शन में आपको लग रहा है कि चींटियां लग रही हैं, ये भी कोई ऐसी कोई चीज होगी, आप देखेंगे उसको हटा के वो पोर्शन हटा दीजिए। इसमें कोई दवा नहीं डालने की जरूरत है कि कोई दवा या कुछ डालना है, क्योंकि हम वर्मी कंपोस्ट होता है इसको हम जैविक में इसमें नेचुरल में भी जैविक खेती में इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए आप कोई दवा नहीं डालेंगे उसमें, लेकिन उस जो जितना पोर्शन में चींटी लग रही है आप उसको हटा दीजिए मैनुअली। और ये सावधानी रखिए कि हम ताजा गोबर इस्तेमाल नहीं करेंगे, सड़ा गला गोबर इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल नईमुद्दीन जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इस सलाह पर भी आप जरूर अमल करेंगे। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर तोमर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बातों बातों में जिक्र किया था बीजोपचार का, जो कि बेहद ही जरूरी है, तो दलहनी फसलों में बीजोपचार की क्या महत्ता है और किस तरह से बीजोपचार किया जाए, इसके बारे में बताएं। दलहनी फसलों में बीजोपचार जो है वो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बीजोपचार जो है वो तीन तरीके से होता है। नंबर एक जो है वो कवकनाशी से, उसके बाद हम जो है कीटनाशी से, और लास्ट में हम कल्चर से उपचारित करते हैं। तो पहले बात हम कवकनाशी की करते हैं। कवकनाशी से बीज उपचार का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो कवक से लगने वाली बीमारियां हैं वो नहीं आएंगी। तो कवकनाशी के लिए आप कोई भी 2.5 ग्राम थायरम है, कैप्टान है, वो प्रति केजी बीज के हिसाब से आप उससे उपचारित कर लें। और इसके बाद हमें जो है कीटनाशी से उपचारित करना चाहिए। कीटनाशी में इमिडाक्लोरोपिड है, उसकी 3 ml प्रति केजी के हिसाब से उससे भी आप उपचारित कर सकते हैं। इससे जो भूमि में लगने वाले कीट हैं उससे बीज को जो है नुकसान नहीं पहुँचेगा। और लास्ट में हमें जो बीज उपचार करना चाहिए वो कल्चर से करना चाहिए। कल्चर से बीज उपचार करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उससे उपचारित करने से जो नोड्यूल्स हैं, ग्रंथियां हैं, वो ज़्यादा बनेंगी। उसके उपचार के लिए ऐसा करना है आपको कि आप जो है 200 ग्राम का एक राइजोबियम का पैकेट ले लें। वो हर फसल के लिए अलग अलग आता है, जैसे सोयाबीन के लिए राइजोबियम, जोपोनिकम है, मटर के लिए राइजोबियम, लेग्यूमिनिसेरम है, इसीलिए मूंग के और उड़द के लिए इनके लिए भी एक स्पेशल टीका आता है। तो उसका फसल का नाम बता के आप उस टीके को ले लें। तो उसका 200 ग्राम का पैकेट ले लें और उसमें जो है 50 ग्राम गुड़ और 500 ml जो है वाटर में उसकी चाशनी बना लें। चाशनी बनाने के बाद आप उसको ठंडा कर लें, यानी कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास उसका तापक्रम होना चाहिए। तब उसमें आप उसको 200 ग्राम का जो आपने कल्चर लिया है वो उसमें मिला लें। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो वो जीवाणु मर जाएंगे। तो और साथ में ये ध्यान रखना है इसमें कि इसको इस प्रक्रिया को 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी कर लें। 24 घंटे से ज़्यादा अगर समय आपने लिया तब भी उसमें जीवाणु मरने की संभावना जो है बढ़ जाएगी। साथ में इस प्रक्रिया को आप जो है छाया में करें और जैसे ही आप बीज उपचार करेंगे उसकी जो है शीघ्रता से जो है बुवाई कर दें। जी बिल्कुल, और इस तरह से जो बीज उपचार है वो बेहद जरूरी है, क्योंकि कई तरह के मिट्टी जनित और बीज जनित जो रोग है उससे बचाव आप पहले ही कर लेते हैं अगर आप बीज उपचार करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, और डॉक्टर द्विवेदी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उसका जो उत्पाद है उसका वाजिब दाम उनको तभी मिल पाएगा जब जो उत्पाद है वो प्रमाणित होगा। तो प्रमाणीकरण के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए क्या जो प्रक्रिया है ये चल रहा है, बताएं। देखिए किसान भाई, आप
जानते हैं कि जब हम जैविक खेती लेके आए तो उसके लिए सर्टिफिकेशन, जो डोमेस्टिक सर्टिफिकेशन के लिए पीजीएस पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम लेके आए थे जी। इसी तरीके से जब नेचुरल फार्मिंग है तो इसके लिए हम नेचुरल फार्मिंग के लिए एक अलग से इसके, चूंकि इसमें कोई भी चीज आदान बाहर से खरीदी नहीं जाती है, तो इसका सर्टिफिकेशन का एक पूरा प्रोसेस अलग से तैयार किया गया है और बहुत जल्दी आपके बीच में आ जाएगा। और इसमें ये एक ध्यान रखा गया है कि किसानों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए जो उनके पास के कृषि विज्ञान केंद्र हों या जो एग्रीकल्चर के अधिकारी हैं उनको भी ये अधिकार दिया जाएगा कि वो आपके खेत का विजिट करके और आपको सर्टिफिकेशन मुहैया कराएं। वो अपने पोर्टल से ही होगा, नेचुरल फार्मिंग के पोर्टल से ही होगा, लेकिन वो उपलब्ध करा सकते हैं। तो किसानों को किसी तरह की असुविधा ना हो और सर्टिफाइड, पूरे देश में सर्टिफाइड नेचुरल फार्मिंग ही होगा जिससे कि उनको प्रीमियम प्राइस मिल सके और जो खरीदार करने वाले जो उपभोक्ता हैं वो भी अश्योर रहें कि हम जो उत्पाद खरीद रहे हैं थोड़ा दाम ज्यादा देके वो एकदम प्राकृतिक तरीके से उगाया गया है और इसमें किसी तरीके का खाद या रसायनों का इस्तेमाल नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर वंदना द्विवेदी और डॉक्टर जयवीर तोमर, आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी है आज के इस कार्यक्रम में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी हाँ, तो आज विस्तार से आपने जाना प्राकृतिक खेती के बारे में, साथ ही दलहनी फसलों की अच्छी पैदावार के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी आपने जाना। आइए आगे बढ़ते हैं और कल के विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल का विषय रहेगा बैंगन टमाटर मिर्च की खेती, और इसके साथ ही आपको बता दें सरसों की खेती की बुआई पूर्व तैयारी। इन विषयों पर कल हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा होगी। इससे पहले आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ये आईडीज हैं जो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इन पर फॉलो करें, यहां पर रिप्लाई करें और इसके साथ ही तमाम सूचनाएं भी यहां आपको मिल जाएगी। साथ ही आप अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और पूरे एपिसोड को देखकर आप तमाम जानकारी फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। इसके साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।